बिहार में हर्ष फायरिंग से जान जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब नालंदा से बड़ी वारदात सामने आई है। बिन थाना क्षेत्र के अमावा गांव में शुक्रवार की रात शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई। घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार बदमाशों ने सुनियोजित साजिश के तहत युवक को गोली मारी। मृतक की पहचान मोकामा थाना क्षेत्र के मेकरा गांव निवासी विकास कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बिन थाना क्षेत्र के अमावा गांव में शुक्रवार रात को शादी समारोह आयोजित था। शादी के जश्न के दौरान विकास को गोली मार दी गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपित घटनास्थल से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला हत्या का है या हर्ष फायरिंग में जान गई है। जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। टिकट देता मेरा भैया शादी में गए रात में, मतलब कि गोली चल गया, यहाँ से फोन आया कि रोहित कुमार ने गोली मार दिया है, यहाँ पे आ जाइए। हमको ये पता लगा फोन करके। किसका शादी था? शादी था मेरा चाचा, मेरा नाना का भाई का, मतलब कि पोती का शादी था। कुछ आपसी बात भी था? आपसी बात तो ये था, मेरा नानी घर से पता लगा मेरा मामू अपना से कि जमीन उमीन का मामला चल रहा था, ये सब कारण से दुश्मनी है। हम लोग का ऐसा कोई दुश्मनी लोग से नहीं था, हम लोग कभी वहाँ जाते भी नहीं थे। अच्छा, तो इस बार सब फोर्स बहुत किया कि आइए, तो किसी तरह गए यहाँ से। वहाँ जाने के बाद पता लगा कि वहाँ शादी में रोहित कुमार ने गोली मार दिया। क्या घटना घटी? घटना हुई कि ये अपने ननिहाल आया था, विकास कुमार, पिताजी का नाम वीरेंद्र सिंह है, मेकरा मोकामा पटना का रहने वाला है। ये रात में शादी समारोह में ये किया, जो हमको सुबह में आए तो पता चला, तो देखे कि इसके जो सर में गोली लगी हुई है। वहाँ ग्रामीण से पूछताछ किए, ये इनके मम्मी से पूछताछ किए, तो वो रोहित नाम का लड़का का नाम बताए, जो कि पिताजी का नाम विनय कुमार सिंह है, वो जुड़ापुर का रहने वाला है। और उसी से फायरिंग, घर से पिस्टल निकालने के क्रम में इनके माँ और उनके मौसी दोनों मना की, लेकिन वो पिस्टल लेके गया। वही समारोह देखने के क्रम में इसके मम्मी है जो देखी कि हमारा लड़का है जो गिर गया, गोली की आवाज़ हुई और उसी क्रम में जो इसको गोली लगा है। पहले विवाद था क्या? पहले विवाद ये लोग ऐसे बहुत दिनों से ननिहाल नहीं जाता था, आपसी अथी था, जमीन जायदाद का ये था, लेकिन ये अंतिम शादी या जो कहें उसमें बहुत प्रेशर डाल करके इन लोग को आमंत्रित किया गया और ये लोग गए। तो ये मैंने हर्ष फायरिंग के आड़ में घटना पर जाना, हर्ष फायरिंग कहिए या जो कहिए, लेकिन ये मामला जो है हर्ष फायरिंग जानबूझ कर लगा रहा है, ऐसा तो प्रतीत हो रहा है। किन की शादी थी? शादी थी इनके मामू के लड़की की।